अल्लाहम वेलकम टू लेक्चर नंबर फोटीन ऑफ डिजिटल सिस्टम डिज़ाइन डबल यू थ्री वन नाइन कोर्स इन टूडेज़ लेक्चर वी विल सी सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ दूनाइटेड स्टेट मशीन्स तो लास्ट लेक्चर में हमने एफ़ एस एम स्टार्ट की थी जिसके अंदर हमने एक एग्ज़ाम्पल भी देखी जो फोर वन से एक बाइंडी सिक्वेंस में डिटेक्ट करते हैं जिस मशीन के थ्रू और फिर हमने ये सीखा कि उसको जो है वो एफ एस एम को कोड uh, किस तरीके से किया जाता है तो so, आज के लेक्चर में हमने कुछ और एग्जाम्पल्स देखनी है तो फाइनाइट स्टेट मशीन के इंट्रोडक्शन को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं जो फाइनाइट स्टेट मशीन को या एफ एस एम को हम एफ एस एम इसलिए कहते हैं कि इसके अंदर जो नंबर ऑफ स्टेट्स हैं वो लिमिटेड होती हैं uh, यानी एक मशीन जो है वो प्री डिटर्मेंड स्टेट्स के अलावा किसी दूसरी स्टेट में जो है वो नहीं जा सकती इसमें हम स्टेट वेरिएबल को स्टोर करने के लिए जो वो रजिस्टर्स डिक्लेयर करते हैं और मेनली एफ एस एम जो है वो कंट्रोल लॉजिक की डिज़ाइनिंग के लिए जो यूज़ होती है तो जो फर्स्ट एग्जांपल है वो पॉजिटिव एज डिटेक्टर की है यानी अगर हमारे पास एक सिंगल बेड का बाइनरी इनपुट आ रही है तो उसमें जब भी वो इनपुट ज़ीरो से वन होगी तो फ़ौर जो है वो ये मशीन आउटपुट को अपनी हाई करके ये इंडिकेशन देगी कि एक पॉजिटिव एज जो है वो अक्कर हो गया इनपुट के ऊपर तो इसमें आप देखें स्टेट ट्रांजिशन ग्राफ जो है वो नज़र आ रहा है जो हमने ये बेसिकली मीले टाइप मशीन के लिए जो है वो हम पॉजिटिव एज डिटेक्टर बना रहे हैं मीले के थ्रू तो इसमें टू नंबर ऑफ़ स्टेट्स नज़र आ रही हैं एक स्टेट जो है वो ए है और एक स्टेट बी है तो सब जिस तरह मैंने लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि कोई भी एफएसएम बनाने के लिए सबसे पहले हमें जो है वो उसका स्टेट ट्रांजिशन ग्राफ बना लेना होता है प्रॉब्लम को अपनी देखते हुए तो हमारी प्रॉब्लम क्या है कि जब तक इनपुट पे ज़ीरो आते जा रहे हैं जीरो के बाद जैसे ही बनाएगा तो पॉजिटिव एज डिटेक्ट हो जाएगा लेकिन जब तक ज़ीरो आ रहे हैं तो आ, हमारी मशीन जो वो स्टेट ए या जो बाई वी सेट स्टेट है उसके अंदर ही मौजूद है और जैसे ही इन जीरो के बाद एक वन आता है इनपुट पे तो जैसे इनपुट पर वन आएगा तो उस टाइम आउटपुट वन हो के स्टेट बी में मशीन जा रही है अब देखें क्योंकि हमारे पास जो है वो एक ज़ीरो से वन आ गया था तो इसके बाद अगर हर क्लॉक का ड्यूरेशन जो है वो इतना है तो नेक्स्ट जो क्लॉक होगी उसके ऊपर भी अगर वन ही रहता है तो इस टाइम के दौरान कोई पॉजिटिव एच अक्कर नहीं हुआ तो लिहाजा अभी ये बीस स्टेट के अंदर ही मौजूद रहेगी और आउटपुट जो है वो इसकी ज़ीरो हो जाएगी और इसके वन के बाद जैसे ही इनपुट पे दोबारा ज़ीरो आ जाएगा तो फिर ये दोबारा वापस जो है वो आ, ए स्टेट की तरफ मशीन जा रही है और ये नया वन लेने के लिए फिर रेडी हो जाएगी और आउटपुट जो है वो ज़ीरो ही रहेगी यानी ए के जाने के बाद जब तक वो स्टेट बी के अंदर मौजूद है तो तब तक जो है वो और इनपुट पे चाहे वन आ रहा है या चाहे ज़ीरो आ रहा है तो इसकी आउटपुट दोनों केसेस में जो है वो ज़ीरो ही है लेकिन अगर जब तक इनपुट पे वन आता रहेगा ये बी स्टेट के अंदर मौजूद रहेगी जैसे इनपुट पे ज़ीरो आएगा तो ए स्टेट में आउटपुट जीरो करके चली जाएगी और उसके बाद जब तक अगेन इन जीरो ही आते जा रहे हैं यानी इस जीरो के बाद एक और जीरो आ जाता है एक और जीरो आ जाए या एक और जीरो आ जाए तो ये स्टेट ए के अंदर ही मौजूद रहेगी फिर जैसे ही एक और आ जाएगा पॉजिटिव तो दोबारा में इससे मशीन जो है वो आ, स्टेट बी में आके आउटपुट को वन कर देगी तो इसी स्टेट ट्रांजिशन ग्राफ को देखते हुए हमने स्टेट टेबल बनाया हुआ है तो स्टेट टेबल में ऑन द बेसिस ऑफ करंट इनपुट मीले मशीन की बात हो रही है इनपुट और करंट स्टेट यानी इनपुट और करंट स्टेट से मिलके आपकी जो है वो आउटपुट डेवलप होती है और इन्हीं दो को देखते हुए हम जो वो नेक्स्ट स्टेट भी डिटर्मिन uh, करते हैं तो जब तक मशीन रीसेट है तो जब तक मशीन रीसेट है तो इनपुट पर चाहे कुछ भी आता रहे जो हमारी रीसेट स्टेट होगी यानी ए जो है वो मशीन उसमें मौजूद रहेगी और आउटपुट जीरो ही रहेगी लेकिन जैसे ही हम रीसेट को इन तमाम रिमेनिंग स्टेट्स uh, के लिए अगर हम रीसेट को हटा देते हैं यानी रीसेट ज़ीरो कर देते हैं अब अगर अ, हमारी करंट स्टेट स्टेट ए है जो कि जाहिर बात है रीसेट स्टेट स्टेट ए है तो स्टेट ए ही होगी करंट स्टेट भी तो जब तक करंट स्टेट ए है तो अगर इनपुट पे ज़ीरो आ जाता है जैसा कि इनपुट पे ज़ीरो आया तो आउटपुट भी ज़ीरो है और नेक्स्ट स्टेट भी करंट स्टेट ही है यानी ए ही है तो नेक्स्ट स्टेट भी ए ही है और आउटपुट जो है वो यहाँ पे ज़ीरो है ठीक है लेकिन अगर करंट स्टेट स्टेट ए है यानी अब ये हम अगेन इसी स्टेट में मौजूद हैं और इनपुट पे वन आ जाता है जैसे कि इस यहाँ पर लिखा हुआ इनपुट पर वन आ जाता है तो नेक्स्ट स्टेट बी हो जाएगी यहाँ से देखें जब इनपुट पर वन आता है तो नेक्स्ट स्टेट स्टेट बी हो जाती है और आउटपुट जो है वो वन हो जाती है तो यहाँ पे जो है वो इसी स्टेट ग्राफ से स्टेट टेबल डेवलप किया हुआ है बाकी रिमेनिंग दो सीक्वेंस के लिए भी अगर करंट स्टेट आपकी बी है और इनपुट पे ज़ीरो आ जाता है तो फिर ए पे चले जाएंगे बी में होते हुए इनपुट पे ज़ीरो आएगा तो आउटपुट ज़ीरो करके ए पे चले जाएंगे अदरवाइज अगर बी में रहते हुए इनपुट पर वन आ जाता है तो नेक्स्ट स्टेट जो है वो बी ही रहेगी और आउटपुट बी जो है वो जीरो ही रहेगी तो ये तो पॉजिटिव एज डिटेक्टर मीले के लिए स्टेट ट्रांजिशन ग्राफ और उसके थ्रू जो है वो हमने स्टेट टेबल डेवलप टे, किया होता यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि हमारी प्रॉब्लम जो है वो दो स्टेट्स के थ्रू इम्प्लीमेंट हो गई हैं लेकिन सेम प्रॉब्लम को जब हम मूरे आ, मशीन के थ्रू इम्प्लीमेंट करेंगे तो हम ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में भी देख चुके हैं कि जो आ, मूरे मशीन है उसमें नंबर ऑफ स्टेट्स जो हैं वो मीले की नस्बत ज़्यादा होती हैं सेम प्रॉब्लम के लिए तो ये चीज़ आपको यहाँ पे भी नज़र आ रही होगी स्टेट ग्राफ और मुरे ये आपके सामने बना हुआ है इसमें देखें जो आपकी आउटपुट है वो आ, सिर्फ और सिर्फ जो है वो करंट स्टेट पर जो डिपेंड कर रही होती है सॉरी यहाँ पे गलत लिखा हुआ है जो आपकी आउटपुट होगी वो सिर्फ और सिर्फ करंट स्टेट पर डिपेंड कर रही होती है इनपुट का इसके अंदर कोई रोल नहीं होता तो अगर इस ये स्टेट भी किस तरीके से बनी हुई है कि अगर हम जब रीसेट में हैं तो रीसेट स्टेट आपकी जो है वो स्टेट ए है और रीसेट स्टेट पे अगर इनपुट पे जैसे ही जब तक ज़ीरो आते रहते हैं तो ये इसी स्टेट में रहती है और देखें इसकी जो आउटपुट है इसके लिखने का तरीका क्या होता है बुरे मशीन का कि इसकी आउटपुट क्योंकि करंट स्टेट पे डिपेंड कर रही होती है लिहाजा इसकी आउटपुट को हम इस स्टेट बबल के अंदर ही लिखते हैं जहाँ पे हमारा स्टेट हमने लिखी होती है उसी के साथ उस स्टेट की आउटपुट होती है क्योंकि इसका इनपुट का कोई रोल नहीं है जब तक हमारी मशीन स्टेट ए में है उसकी आउटपुट जीरो रहेगी जब तक हमारी मशीन की करंट स्टेट स्टेट बी है उसकी आउटपुट वन रहेगी और सी में ज़ीरो रहेगी लेकिन ये किस तरीके से होगी भी हम देखते हैं कि ए पे जब तक ज़ीरो आ रहा है वो इसी मशीन इसी स्टेट में मौजूद है और जीरो के बाद जैसे ही वन आता है यानी अब पॉजिटिव एज जो है वो आने वाला है तो ज़ीरो के बाद जैसे ही वन आ जाएगा तो आ, ये स्टेट बी में चला जाएगा और स्टेट बी में आउटपुट वन इसलिए है कि स्टेट बी में पहुँचता ही जीरो के बाद वन लेके ठीक है एक जीरो के बाद वन का मतलब है कि पॉजिटिव एज आ गया और स्टेट बी में आ जाएगा और यहाँ पर आके आपकी आउटपुट वन हो जाएगी अब वन के बाद अगर यानी बी में पहुंचने के बाद वन इनपुट पे लेने के बाद एक वन और आ जाता है इनपुट पे यानी बी में भी वन आ जाता है तो फिर ये मशीन जो है क्योंकि अब दो कन्जक्टिव वन आ गए हैं पॉजिटिव आइज नहीं आया तो ये मशीन जो है एक तीसरी स्टेट में जा रही है जिसको हम सी कह रहे हैं और इसमें आउटपुट जो है वो आपकी ज़ीरो है क्योंकि दो कन्जक्टिव वन आ गए हैं पॉजिटिव एज नहीं आया इसलिए आउटपुट जीरो हो गई है और जब तक मजीद वन भी आते जाएंगे तो इसी स्टेट में हम मौजूद हैं कि आपके पास जो सीक्वेंस आ रहा है वो वन के बाद सॉरी इनिशियली आपके पास जीरो आ रहे थे ज़ीरो के बाद जैसे ही वन आया यानी जीरो के बाद वन आया तो यहाँ पे एच डिटेक्ट हुआ है उसके बाद वन के बाद एक और वन आ गया नो पॉजिटिव एच और उसके बाद जितने ये सी में वन आते जाएंगे वन जितने भी आते जाएंगे ये सी में ही मौजूद रहेगा और नो पॉजिटिव एच इसके बाद जैसे ही सी पे ज़ीरो आ जाएगा तो दोबारा स्टेट ए की तरफ जा रहा है क्योंकि स्टेट ए में पहुँचने का मतलब ये है कि अब ये ज़ीरोज लेके स्टेट ए में तो पहुँच गया है लेकिन जैसे ही इन जीरोज़ के बाद कोई भी एक वन आ जाता है तो यहाँ पे पॉजिटिव एज डिटेक्ट हो जाएगा और ये दोबारा स्टेट बी में आ जाएगा और अगर हम इनपुट पे जीरोज आ रहे थे अब हम दोबारा रिसर्च स्टार्ट कर रहे हैं इनपुट पे ज़ीरो आ रहे थे यानी स्टेट ए में था उसके बाद जैसे ही पहला वन आया तो पॉजिटिव एज लेके स्टेट बी में पहुँच गया लेकिन स्टेट बी में एक ज़ीरो इनपुट पर आ जाता है तो फिर क्या होगा ये दोबारा स्टेट ए पे चला जाएगा और स्टेट ए में अगेन जो है वो आउटपुट जीरो गई है तो लिहाजा जो है वो कोई है डिटेक्ट नहीं हुआ तो इस तरीके से मशीन जो है वो काम कर रही है और इसी सारे स्टेट ट्रांजिशन ग्राफ को देखते हुए अगेन स्टेट टेबल डेवलप हुआ है कि आपके सामने है यहाँ पे नोट करने वाली बाकी uh, सारी चीज़ें आप उसी तरीके देख लेंगे जैसे हमने लास्ट स्लाइड में दे, देखी थी लेकिन यहाँ पे नोट करने वाली चीज़ ये है कि जब भी आप स्टेट बी के अंदर मौजूद हैं चाहे इनपुट पर ज़ीरो आ जाए या चाहे इनपुट पर वन आ जाए आउटपुट आपकी जो है वो वन ही रहती है ठीक है तो फिर क्वेश्चन ये है कि जब स्टेट बी की आउटपुट वन है तो फिर इस इनपुट का जीरो का और वन का क्या रोल है यानी इनपुट पर जीरो और वन आ रहे हैं इनसे क्या होता है इनसे ये होता है कि स्टेट बी में रहते हुए अगर इनपुट पे वन आता है तो नेक्स्ट स्टेट सिर्फ डिटरमिन होती है नेक्स्ट स्टेट आप सी में जाओगे यानी बी में रहते वन आता है तो सी में जाओगे और बी में रहते हुए आपके पास वन आ जाता है तो स्टेट ए में नेक्स्ट स्टेट आपकी बन जाएगी तो जो नेक्स्ट स्टेट है वो मिलकर बनती है मुरे मशीन में करंट स्टेट और इनपुट से और जो आपकी आउटपुट बनती है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो करंट स्टेट की वजह से बनती है नेक्स्ट एग्जांपल जो आ, इस इस एग्जांपल को भी हम मिले और मुरे दोनों मशीन के थ्रू देखेंगे लेकिन ये एग्जांपल क्या है कि जब भी आपके पास इनपुट पे सीक्वेंस जो है वो ज़ीरो से वन हो जाए या वन से ज़ीरो हो जाए इसका मतलब जीरो से वन होने का क्या मतलब है कि इनपुट ऐसी होगी तो पॉजिटिव एज डिटेक्ट हो जाएगा या इनपुट जो है वो आ, वन से ज़ीरो होगी तो नेगेटिव एज डिटेक्ट हो जाएगा तो इसका मतलब है कि जो हमारी लास्ट मशीन थी लास्ट एग्जांपल थी वो सिर्फ पॉजिटिव एज को डिटेक्ट कर रही है जबकि ये एग्जांपल जो है वो पॉजिटिव एज और नेगेटिव एज दोनों को डिटेक्ट कर रही है तो सबसे पहले इसका जो है वो स्टेट ट्रांजिशन ग्राफ दे रहे हैं कि जब तक जो है वो आ, आप स्टेट ए में हैं रिसर्च से जैसे ही आप निकलेंगे तो आउटपुट आपकी जीरो हो जाएगी और स्टेट ए में आप आ जाएंगे अब स्टेट ए में रहते हुए आपके पास क्योंकि सिंगल बिट की इनपुट आ रही है तो दो ऑप्शन हो सकती हैं या तो इनपुट पर ज़ीरो आ सकता है या आपकी इनपुट पर जो है वो वन आ सकता है और इसमें देखने वाली बात यह है कि आपके पास जो सिक्वेंस हमें डिटेक्ट करना है वो जीरो वन या वन ज़ीरो है यानी अगर आपके पास ज़ीरो आ जाता है इनपुट पे तो वो भी सीक्वेंस को डिटेक्ट करने के लिए हेल्पफुल है या अगर इनपुट पे पहली बिट वन आ जाती है तो वो भी एक सीक्वेंस को बनाना चाह रहा है यानी जीरो के बाद फ़ौर बाद जब वन आ जाएगा तो एक सीक्वेंस डिटेक्ट हो जाएगा या वन के बाद फ़ौर ज़ीरो आ जाएगा तो वो भी एक सीक्वेंस डिटेक्ट हो जाएगा तो हम ए पे स्टार्ट इससे स्टार्ट करते हैं और इनिशियली इस पर ज़ीरो देखते हैं अगर ए पे इनपुट पे ज़ीरो आ जाता है यानी इसका मतलब है कि ये वाला सीक्वेंस स्टार्ट होना चाह रहा है इनपुट पे ज़ीरो आ जाता है तो अभी ये सीक्वेंस डिटेक्ट नहीं हुआ लेकिन ये मशीन ट्रांजिट कर देगी क्योंकि सीक्वेंस के जो है वो एक रिक्वायर्ड बिट आ गई है और आउटपुट जो है वो ज़ीरो रहेगी अभी तो जैसे ही बी पे नेक्स्ट नेक्स्ट डेट जो है वो बी की तरफ जा रहा है और बी पे रहते हुए जी बी पे पहुंचने के बाद जैसे ही इनपुट पे एक वन आ जाता है ठीक है तो इसका मतलब है पहला ज़ीरो लेके बी तक पहुंचा और उसके बाद वन लेके इसका सीक्वेंस कंप्लीट हुआ तो हम इसको एक नई स्टेट सी पे लेके जा रहे हैं लेकिन एट द सेम टाइम आउटपुट भी वन कर रहे हैं इसका मतलब है कि ये ज़ीरो और ये वन से आपका जो है वो सीक्वेंस डिटेक्ट हो गया अब अगर यानी इनपुट पे ज़ीरो आया था और उसके बाद वन आया था ये सीक्वेंस हमारा बन गया था कंप्लीट और उसके बाद हम सी तक पहुंच गए हैं और सी पे मज़ीद आपके पास वन आ जाता है एक वन और आ जाता है तो इसका मतलब है कि अब ये दो बिट्स जो हैं वो सीक्वेंस नहीं रही वन वन हो गई है तो आउटपुट यहाँ पर ज़ीरो हो जाएगी और ये दोबारा स्टेट सी में तब तक रहेगा जब तक आपके पास जो है उसके बाद वन आती जाती है लेकिन यहाँ पर वन के बाद जैसे ही एक ज़ीरो आ जाए तो इसका मतलब ये है ये वाला सीक्वेंस डिटेक्ट हो गया वन के बाद ज़ीरो तो यहाँ पे भी एक सीक्वेंस डिटेक्ट होगा ठीक है यानी ज़ीरो और वन एक सीक्वेंस और उसके बाद फिर ज़ीरो एक और सीक्वेंस यानी सी पे रहते हुए अगर जीरो आ जाता है तो सीक्वेंस डिटेक्ट हो जाता है और आउटपुट जो है वो वन हो जाती है लेकिन इस सूरत में जो है वो ये वाला सीक्वेंस डिटेक्ट हुआ है यानी जीरो और वन पे एक सीक्वेंस अब जब तक वन आ रहे हैं तो वो यहाँ पर और जैसे ही वन के बाद दोबारा जीरो आया तो जीरो वन सॉरी वन जीरो एक सीक्वेंस है और ये वन आउटपुट हो जाएगी और ये बी स्टेट में चला जाएगा यानी इसका मतलब है कि वन ज़ीरो के ऊपर कहाँ जा रहा है ये वन ज़ीरो के ऊपर ये स्टेट बी के अंदर जा रहा है अब स्टेट बी में जब तक ज़ीरो आ रहे हैं तब तक वो यहाँ पे स्टक रहेगा यानी इसके बाद अगर जीरो आना शुरू हो गए तो ये स्टेट बी में रहेगा और जैसे ही यहाँ पे वन आ जाएगा ठीक है तो ये जीरो वन अगेन सीक्वेंस है तो ये दोबारा सी की तरफ आएगा और यहाँ पे आउटपुट को वन कर देगा अब हम ये देख लेते हैं कि जब हमारे पास इनपुट पे फर्स्ट बिट जो है जब वन आ जाती है ए पे रहते हुए पहली बिट जब वन आ जाती है तो सूरत में क्या होता है पहली बिट जब वन आती है इसका मतलब है ये वाला सीक्वेंस डिटेक्ट होना स्टार्ट हो गया ठीक है और उसके बाद वन के बाद जैसे ही जीरो आएगा तो हम कहेंगे सीक्वेंस डिटेक्ट हो गया तो वन जब पहला पहली बिट आती है तो स्टेट सी में जा रहे हैं आउटपुट अभी तो जीरो है क्योंकि पूरा सीक्वेंस नहीं आया और जब तक वन आते जा रहे हैं मजीद यानी वन आया और उसके बाद एक वन और आ गया ठीक है एक वन और आ गया और जब तक वन आ रहे हैं हम स्टेट सी के अंदर मौजूद हैं लेकिन जैसे ही आपके पास एक ज़ीरो आ जाएगा तो इसका मतलब है कि सीक्वेंस डिटेक्ट हो गया आउटपुट वन हो जाएगी ये आउटपुट आपकी वन होगी और उसके बाद आप स्टेट बी में चले गए और स्टेट बी में आप ही क्योंकि जीरो लेके पहुंचे थे तो उसके बाद मज़ीद ये ज़ीरो आते जा रहे हैं तो स्टेट बी में आउटपुट होके ज़ीरो मौजूद हैं हम बी में ही हैं और फिर उसके बाद जैसे ही अगर वन आ गया तो फिर अगेन स्टेट सी के अंदर चले जाएंगे और आउटपुट को जो है वो वन करके जाएंगे तो इस तरीके से ये मशीन जो है वो ओवरलैपिंग सीक्वेंसेस को डिटेक्ट कर रही है यानी ज़ीरो अगर आपके पास हम इस तरह की एक इनपुट देते हैं देखते हैं जिसमें आपके पास ऐसी इनपुट आती है ज़ीरो वन जीरो ठीक है इसका मतलब रिसर्च स्टेट स्टे से स्टार्ट करेंगे पहली इनपुट जीरो आई और वन आई तो ये एक सीक्वेंस हो गया और उसके बाद फिर जीरो आ गया तो वन और ज़ीरो ये भी एक सीक्वेंस हो गया तो इसका मतलब है इन तीन बिट से दो सीक्वेंस डिटेक्ट हो रहे हैं तो मशीन इन दो सीक्वेंसेस के लिए किस तरीके से काम करेगी कि पहले इनपुट पे ज़ीरो आता है तो यहाँ से स्टेट बी के ऊपर जाएगी और जैसे ही वन आ जाता है तो वन डिटेक्ट होकर सी में आ जाएगा और उसके बाद फिर ज़ीरो आता है तो एक सीक्वेंस और डिटेक्ट होकर बी में चला जाएगा तो यानी यह मशीन यहाँ से इधर गई है और उसके बाद सी में गई है और उसके बाद दोबारा जो है वो बी में चलेगी और इस इस टाइम के दौरान एक सीक्वेंस यहाँ पर डिटेक्ट हुआ है और एक सीक्वेंस यहाँ पर डिटेक्ट हुआ है और इसी की मदद से हमने जो है वो स्टेट टेबल बनाया हुआ है इम्पॉर्टेंट नोट करने वाली चीज़ ये है कि यहाँ पे आपके पास जब इनपुट बी होती है जब इनपुट बी है और उसके ऊपर वन आ जाए तो आउटपुट वन हो जाती है जब आप पी में हैं और इनपुट वन आ जाती है तो आउटपुट वन हो जाती है और नेक्स्ट स्टेट सी हो जाती है और जब आप करंट स्टेट सी में मौजूद हैं यानी यहाँ पे मशीन अभी मौजूद है और इनपुट पे जब जीरो आ जाएगा तो आउटपुट वन हो जाएगी और नेक्स्ट स्टेट जो वो बी बन जाएगी सी पे रहते हुए जब इनपुट पे ज़ीरो आएगा तो आउटपुट वन हो जाएगी नेक्स्ट स्टेट बी हो जाएगी तो इसी मशीन को हम जो है वो मूरह के तरीके थ्रू किस तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे तो जैसे कि पहले बताया हुआ था कि मीले से जिस तरह मीले के अंदर जो नंबर ऑफ स्टेट्स होती हैं मुरे में मीले से ज़्यादा नंबर ऑफ़ स्टेट्स होंगी तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि तीन स्टेट्स हैं तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो पाँच स्टेट्स हैं किस तरीके से बनी है इसको हम देख लेते हैं प्रॉब्लम uh, आप लोगों को ऑलरेडी समझ आया हुआ है कि पॉजिटिव एज या नेगेटिव एज दोनों को डिटेक्ट हमने करना है तो रीसेट स्टेट जो है वो ए जी ए है और ए जो ऐसी स्टेट है जिसमें कभी भी आउटपुट वन नहीं होती ए में हमेशा आउटपुट जीरो रहेगी ठीक है और इनिशियली अगर आपके पास ज़ीरो आ जाता है यानी हमने इनपुट अभी स्टार्ट की है तो पहली इनपुट जो है वो ज़ीरो आती है तो ज़ीरो आएगी तो स्टेट बी पे चले जाएंगे और अब एक वन लेने के लिए तैयार हैं क्योंकि जीरो और वन एक सीक्वेंस बनता है और बी में रहते हुए जैसे ही आपके पास इनपुट पर वन आ जाता है तो आप एक ऐसी स्टेट में चले जाएंगे जिसकी आउटपुट वन है ठीक है मुरे के अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इनपुट के साथ ही आपकी आउटपुट डिवेलप नहीं होती आप एक स्टेट के अंदर जाते हैं और उस स्टेट की आउटपुट जो है वो वन होती है फिर और इसके बाद दूसरा दूसरी ब्रांच हम देख लेते हैं सीक्वेंस की इनिशियली जब हमने ज़ीरो लिया था तो उसके बाद अगर आपके पास जो है वो एक ज़ीरो और आ जाए एक जीरो और आ जाए तो आप स्टेट बी के अंदर ही पहला ज़ीरो लेके यहाँ पे जाएंगे और उसके बाद यहाँ पे स्टक हो जाएंगे जैसे ही वन आएगा सीक्वेंस डिटेक्ट हो जाएगा डी में चले जाएंगे दूसरे एंड के ऊपर अगर आपके पास फर्स्ट इनपुट जो है वन आ जाती है और उसके बाद वन ही आ रहे आते जा रहे हैं तो पहला वन लेके तो आप हम सी में आ जाएंगे ठीक है और जितने रिमेनिंग वन होंगे उनके लिए सी में ही मौजूद हैं लेकिन जैसे ही इनपुट पे ज़ीरो आता है तो ये वन और जीरो एक सीक्वेंस है जिसको लेके जो है वो स्टेट ई में जा रहे हैं जिसकी आउटपुट वन है तो यहाँ पे सीक्वेंस डिटेक्ट हो गया अब वन में अगर आपके पास सॉरी ई स्टेट में अब अगर ई स्टेट में आपके पास दोबारा से जो है वो वन जीरो के बाद एक जीरो और आ जाता है तो आप यहाँ से स्टेट बी की तरफ जा रहे हैं क्योंकि स्टेट बी में आप कैसे जाते हैं इनपुट पे पहला वन ले के फिर आप स्टेट बी में जा रहे होते हैं तो जब आपके पास ज़ीरो आ गया तो आप स्टेट बी में चले गए क्योंकि अगला वन क्योंकि अगला वन जैसे आएगा तो आप स्टेट डी में जाएंगे और उसी डिटेक्ट कर हो जाएगा और इसी तरीके से अब जब आप जीरो और वन ले स्टेट डी में पहुँचे हुए थे तो डी में एक वन और आया तो फिर आप वापस स्टेट सी में आ जाएंगे क्योंकि स्टेट सी में आप वन ले के ही पहुँचते हैं ठीक है तो ये वन ले के आप स्टेट सी में आएंगे और ज़ीरो जैसे ही आएगा फिर ये सीक्वेंस डिटेक्ट हो जाएगा तो यहाँ पे आ, मुरे मशीन में अगर आप देखें तो स्टेट डी है जिसकी आउटपुट वन है इसी तरीके से स्टेट ई है जिसकी आउटपुट वन है तो इसका मतलब है जब तक स्टेट डी में हम रहेंगे इनपुट पर जो मर्जी आ जाए आउटपुट आपकी जो है वो वन हो जाएगी और इसी तरीके से सिमिलरली जब जब तक आप स्टेट ई e में मौजूद हैं आपकी आउटपुट जो है वो वन है चाहे इनपुट पे ज़ीरो आए या वन आए तो ई e में रहते हुए इनपुट पे ज़ीरो आएगा तो नेक्स्ट स्टेट बी बनेगी ई e में रहते हुए इनपुट पे ज़ीरो आएगा तो स्टेट नेक्स्ट बी बनेगी और वन आएगा तो नेक्स्ट स्टेट जो है वो डी बन जाएगी तो यहाँ पे हमारा जो लेक्चर नंबर 14 है वो कंक्लूड होता है इन नेक्स्ट टाइम लेक्चर नंबर फिफ्टीन के अंदर हम आ, जो पॉजिटिव वो नेगेटिव एज डिटेक्टर है या या सिंपली एज डिटेक्टर है उसको हम देखेंगे कि किस तरीके से हम वैलॉग के अंदर कोड करते हैं थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग हाफिज़